ऐतिहासिक खास खबर। नाना पटोले ने कहा, जनता ही मेरा गॉडफादर। लोकसभा चुनाव के पहले फेज का चुनाव खत्म होते ही सबसे पहले एमएनएस न्यूज को दिए हुए एक इंटरव्यू में नागपुर के कांग्रेस उम्मीदवार नाना पटोले इन्होंने कहा कि राजनीति में मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, सिर्फ जनता ही मेरा गॉडफादर है। नाना पटोले ने चुनाव के बाद अपनी पहली हाई मुलाकात में गरीब को न्याय के साथ साथ किसानों को सम्मान भी मिलेगा, इसलिए नागपुर से जनता भारी वोटों से जीता रही है। नागपुर की जनता चमत्कारी निकाल देने वाली है। नाना पटोले चुनाव के बाद पहली बार लखनदुर तहसील के भागड़ी में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। सामूहिक विवाह समारोह में 8 युगलों को शुभाशीष देने के बाद उन्होंने एमएनएस न्यूज के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर पूर्व विधायक सेवक वाघाय, जिला बैंक के अध्यक्ष सुनील कुंडे, जिला परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे, जिला परिषद सदस्य मनोहर राउत प्रमुखता से उपस्थित थे। मुझे पहले बताइए कि अभी पहले फेज में जो चुनाव हुए पूरे देश के अंदर, उसमें सबसे हॉट सीट करके नागपुर की तरफ देखा गया। सभी मीडिया में एक नंबर पर नागपुर की सीट रही। नितिन गडकरी वर्सेस नाना पटोले, एक कद्दावर लीडर जो प्राइम मिनिस्टर का दावेदार है, उसको फाइट देने के लिए नाना पटोले को मैदान में खड़ा किया गया और उसी तरह से फाइट भी हो गई। ये पूरा मतलब आकलन आ गया सामने। लेकिन बार बार एक आरोप आपके ऊपर लगाया गया कि भंडारा की पार्सल नागपुर भेजी गई है, इसके ऊपर आपको क्या कहना है? मैंने बार बार कहा है कि कद्दावर नेता की बात आप करते हो, तो मैं लोकतंत्र में जनता कद्दावर होती है, नेता कद्दावर नहीं होता, यह मैंने बार बार कहा। और जो अपने आप को अगर कद्दावर समझता है तो उसको जनता उसकी जगह दिखाती है। और कल जो चुनाव नागपुर में हुआ, उसका वोटिंग परसेंटेज और जिस तरह से लोगों ने जाके वोट किया है, वो रिजल्ट हमारे साइड में आया है और हम बड़े वोटों से और ऐतिहासिक जीत वहाँ पे हासिल करेंगे। और ऐसे समय में प्रधानमंत्री हो या कोई बड़ा कद्दावर मंत्री पद में बैठा हुआ आदमी हो, ये उसके कामकाज के आधार पर, उसने 5 साल में लोगों के लिए क्या काम किया, उसके आधार पर ये निर्णय लोकतंत्र लेती है। और जो मैंने बात नागपुर में देखी है कि गडकरी ने जिस तरह से नागपुर की जनता को लूटा, कर्जा से पैसा लेकर लाकर उसने नागपुर की जनता से पैसे वसूल करने का काम किया है और उसी के परिणाम गडकरी को सुधरना पड़ा। अभी तो चुनाव हो चुके हैं और जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है विदर्भ के अंदर, सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज नागपुर में हुआ है, जो परसेंटेज बढ़ा हुआ है, क्या उसका फायदा विपक्ष होगा सत्ता पर? बिल्कुल, कैसा है कि जब जनता सरकार के विरोध में आती है और लोगों ने सरकार के विरोध में वोट मारने का जब निर्णय लेते हैं, तो एक जनता का चुनाव हो जाता है। लोकतंत्र में ये सबसे बड़ी एक खासियत होती है, राज्यकर्ता ने अगर जनता को सताया तो फिर वोट के समय में जो अधिकार जो वोट का जनता के पास है, उसका वो प्रॉपर उपयोग करती है और उसी का परिणाम सत्ता पक्ष के विरोध में जाएगा और उसका फायदा हमें मिलेगा। अभी एक बात कही गई नागपुर में, जैसे चुनाव माहौल बनता गया और नागपुर की जनता आपकी ओर झुकती गई, तो कहीं ना कहीं नितिन गडकरी घबरा गए और उन्होंने बाद में फिर आरोप करना चालू कर दिया आपके ऊपर कि अभी मतलब ब्राह्मणवाद जातिवाद का मतलब उन्होंने रंग लाया चुनाव के लिए, बहुजनों को लेकर या जातिवाद करके नाना पटोले वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप उनका मतलब नितिन गडकरी जी का था। ऐसा है कि बहुजन जब लोग मौका बेटा अगर एकाद नहीं होगा तो हम दत्तक भी लेते हैं बहुजन समाज के लिए। हमने कुछ दिन के लिए गडकरी को दत्तक लिया था, लेकिन गडकरी ने जिस तरह से हमारे बहुजनों के गले काटे, तो जब घर का लड़का आ गया जो लोगों के तकलीफ को दूर करने के लिए, तो लोग काय को दत्तक को रखेंगे, घर का लड़का रखेंगे। यही गडकरी जब गए 2014 में भोजनों के वोटों पे चुन के आया, तब ये जातिवाद उसको समझा नहीं क्या? और तुमने भोजनों के लिए क्या किया? गडकरी ने जवाब देना चाहिए। मूल सब्जेक्ट है कि जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान को आप खत्म करने चाहते हो,
ये कतई हम लोग नहीं होने देंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हमारी सबसे बड़ी ताकत और बहुजनों को जो सही राह और उनके लिए जो रास्ता है, उनको जीने का जो ढंग दिया है, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। और वही संविधान को एक जब ख़त्म करना चाहते हैं तो नाना पटोले क्या कई लोग बहुजन विचार के साथ वो साथ में आए। और नागपुर में जो कल का चुनाव हुआ आपने देखा होगा, मध्य नागपुर, पूर्व नागपुर, उत्तर नागपुर, ये अपना दक्षिण नागपुर और उत्तर नागपुर, पश्चिम नागपुर, जिस तरह से लोगों ने घर से इतने दूर पे निकल कर वोट किया है, वो उसका आधार ही वो था कि ये लोग संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और देश की जनता संविधान के बाजू में, और लोगों ने उसी तरह के वोट किए। वो मुझे बताइए कि अभी शुरुआती दौर में कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछाड़ी पर थी, लेकिन जैसे ही भी राहुल गांधी ने अपने मेनिफेस्टो में 72,000 रुपया एक जिसकी आमदनी कम है, गरीब लोग हैं, उनको 72,000 रुपये देने का वादा किया और 22 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा किया, उस दिन से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता गया। क्या ये दोनों मुद्दे का फायदा हो चुका है? बिल्कुल होगा। किसान के बारे में भी जिस तरह से हमने कहा कि उनके लिए स्वतंत्र बजट दिया जाएगा, न्याय योजना के माध्यम से गरीब को भी मुख्य धारा में लाने के लिए कांग्रेस ने, क्योंकि 15 लोगों को 3.5 लाख करोड़ का कर्जा जब माफ़ किया जाता है मोदी की सरकार में, आरएसएस की सरकार, हम बीजेपी की सरकार नहीं कहेंगे, आरएसएस की सरकार, और ये सरकारें जब 15 लोगों के लिए, मुट्ठी भर लोगों के लिए सत्ता चला सकते हैं, तो हम देश के अन्नदाता के लिए, देश के गरीब के लिए हम सत्ता चलाने का मानस कांग्रेस का पहले से रहा है। और इतने साल इस देश में कांग्रेस गरीब और किसान के साथ रही है, युवाओं के साथ रही है, और राहुल जी ने उसी बात का आगाज किया है अपने मेनिफेस्टो के आधार पर, और न्याय योजना के माध्यम से गरीब को हर महीने 6,000 रुपये देने का जो वादा किया है उसका पूरा करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जो बोलते वो करते, और मोदी और आरएसएस बोलते हैं उसका उल्टा करते ही वो लोगों को समझ में आ गया। और इसलिए राहुल जी के विचारधारा के साथ पूरे देश की जनता राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस के साथ खड़ी होगी, शुरू होगी। अभी जैसे कि पहला फेज का चुनाव तो हो गया, 72,000 का फायदा हो गया, लेकिन 72,000 रुपये का नियोजन किस तरह से किया जाएगा? क्योंकि विरोधी पार्टी तो मतलब सत्ता पक्ष में जो भी बैठे लोग हैं बीजेपी के, ये तो 72,000 रुपये का भी जुमला हो सकता है ना, 72,000 रुपये राहुल गांधी नहीं देंगे, इसका नियोजन कहाँ से होगा? जुमलेबाज खुद लोग रहते हैं, उनको ऐसी लगता है। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए थे उसमें राहुल गांधी ने कहा कि हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे, 25 करोड़ का कर्जा माफ़ करेंगे, रोजगार निर्मित करेंगे, तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में हमारी सरकार आई, तो राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर करेंगे, तो दूसरे दिन ही वहाँ पर जैसी सरकार बनी, मुख्यमंत्री वहाँ बैठे हमारे कांग्रेस के, दूसरे दिन ही कर्जा माफ़ी की वहाँ पर जीआर निकाल कर कर्जा माफ़ी की प्रक्रिया शुरू हुई। इसका मतलब है कि राहुल गांधी जो बोलते वो करते हैं। जिन्हें 2014 में जब कर्जा माफ़ी की बात की थी, किसान को 1.5 गुना दाम देने की बात करी थी, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने की बात, नौकरी देने की बात करी थी, इन लोगों ने क्या किया? अमित शाह जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि वो तो हमारा जुमला था, हमने किसान के बारे में नहीं कहा था, युवाओं के बारे में नहीं कहा था, हमने तो उद्योगपति के बारे में कहा था, इसलिए हमने उद्योगपति का कर्जा माफ़ किया। तो इन लोगों ने अगर जुमलेबाज ये खुद है तो दूसरों को जुमलेबाज बोलकर अपने आप को ढकने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं। लेकिन भारतीय हिंदुस्तान की जनता होशियार है, ऐसे जुमलेबाजों को अब वो लोग मौका नहीं देंगे। और इसलिए नागपुर का भी चुनाव जो हुआ है वो जुमलेबाजों को हटाने के लिए लोग इकट्ठा हुए, संविधान को बचाने के लिए इकट्ठा हुए, लोकतंत्र को बचाने के लिए इकट्ठा हुए। और इसलिए आज मीडिया का उपयोग कर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का उपयोग कर लोगों को गुमराह करने की बात वो जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल कतई हिंदुस्तान की जनता उस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगी और कांग्रेस और अलायंस के साथ लोग जुड़ेंगे। अभी विदर्भ के अंदर जो भी पहले फेज का चुनाव जो हुआ उसमें रुझान जो दिखाई दे रहे हैं वो कांग्रेस के बेहोर भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या अभी आप फ्री हो गए और अभी आप स्टार प्रचारक हो, कांग्रेस के राष्ट्रीय किसान कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, तो क्या इसको पूरे महाराष्ट्र के अंदर इसका कुछ असर पड़ेगा? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, कल दिल्ली से परसों से मैं तो देश में और राज्य में कई जगह प्रचार रैली मेरी होने वाली है, और नरेंद्र मोदी का असली चेहरा, आरएसएस का असली चेहरा हम जनता के सामने रखेंगे, और राहुल गांधी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोगों का आह्वान करेंगे, और मुझे विश्वास है राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
आखिरी सवाल, महाराष्ट्र के अंदर कितनी सीटें आएगी? महाराष्ट्र में हमारी कांग्रेस की 25 सीटें कांग्रेस की रहेंगी और अलायंस मिलाकर हम लोग कम से कम 38 सीटें हमारी रहेंगी। पूरी में 38 सीट्स महाराष्ट्र के अंदर अपनी रहेंगी, मतलब सेंटर में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार बन सकते हैं। अगर वो प्रधानमंत्री के दावेदार बने तो मुझे मालूम है कि कृषि विभाग शायद, क्योंकि अभी कृषि के लिए भी अलग से आयोग बनाने का जो मैनिफेस्टो में आपने किए हैं, तो कृषि के ऊपर ज़्यादा मतलब बढ़िया रहेगा। मैं ऐसा है कि ये जो बात होती है, मैं समझता हूँ कि उसमें तकदीर का जिसको अगर जोर हो, क्योंकि मेरा तो जनता मेरा गॉडफादर है, राजकारण में मेरा गॉडफादर नहीं है, और इसलिए जो भी जवाबदारी मुझे राहुल जी देंगे उसको पूरा निभाने की कोशिश हम करेंगे, जनता को न्याय देंगे। अभी की जो सरकार में आपने देखा होगा कि मोदी की सरकार में पूरा के पूरा मंत्रालय पीओ में चलाता है, वो लोकतंत्र को मानते नहीं, वो गुमशाह है, और इसलिए कांग्रेस ऐसा है कि जो मंत्रालय जिसको मिलता है उसको चलाने का पूरा अधिकार देते हैं, स्वायत्ता देती है, और उसके आधार पर पूरे देश की जनता को न्याय देने की व्यवस्था उस माध्यम से होती है। तो मुझे विश्वास है कि राहुल जी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं, अगर मेरे तकदीर में अगर मेरे देश का कृषि मंत्री बनने का अगर योग हो, तो फिर सेठ जी भट्टी रोक ही नहीं सकते। वो एक स्लोगन आया अभी कि नाना ने पहले निपटाया सेठ जी, आप निपटाने गए भट्ट जी, तो नागपुर में बहुत चल रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं किसी जाति और इसका बात नहीं करता, लेकिन लोकतंत्र में सभी को जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, और हमारा देश ऐसे ही आज़ाद रहे, हमारे देश की स्वायत्ता को किसी की नज़र ना लगे, और हमारा देश का संविधान सही सलामत रहे, ये हमारी कोशिश रहेगी, और सबको साथ लेकर सबका विकास। लेकिन जो नारा बीजेपी ने दिया था तो उसमें आपने देखा होगा कि सबका साथ तो ले लिया लेकिन खुद का विकास किया, ये आज बीजेपी के जो भी बड़े शीर्ष नेता हैं उनकी पहले की स्थिति आप देखो, राज की स्थिति देखो, कितना बदलाव हुआ। तो और वो उनके जो उन्हें जो लोकसभा की अर्जी दायर की है उसमें 5 साल में उनकी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी है उसके आधार पर अपन अंदाज बना सकते हैं। तो सबका साथ तो ले लिया, खुद का विकास किया, हमारा नारा वो नहीं है, सबका साथ और सबका विकास ये हमारा नारा है, और उसको इतने साल से कांग्रेस वही करती आई और इसलिए आज देश खड़ा। आइए देखते हैं हमारे भंडारा ब्यूरो चीफ शैलान जीवार की खास खबर एमएनएस न्यूज के लिए। तो ये थे अभी नागपुर का चुनाव लड़ने के बाद में नाना पटोले पहली बार अपने लाखांतु तहसील में आया, उनसे हमने बात की और उन्होंने अपनी मुलाकात में बताया कि जैसे बीजेपी वालों ने सबका साथ सबका विकास ये नारा तो लगाया लेकिन सबका साथ और खुद का विकास कर किया, लेकिन कांग्रेस की यह धारणा है कि हम खुद सबका साथ और सबका विकास भी करेंगे। बहुत सारी चर्चा उन्होंने खुली दिल से की है, कृषि विभाग के बारे में चर्चा की है और साथ में भारी वोटों से जीत कर लाने की भी उन्होंने उम्मीद बताई। महाराष्ट्र के अंदर भी सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस अलायंस की निकलेगी और आने वाले दिनों में किसान के बारे में ज़्यादातर काम किया जाएगा, ये भी विचार नाना पटोले ने रखे। मैंने शादलान जवार, एमएनएस न्यूज भंडारा। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।